कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इस चीज़ पे बहुत लंबी बात हो सकती है कि हिजाब इस्लाम के लिए ज़रूरी है या नहीं। लेकिन मुझे हैरानी नहीं है कि इंडिया में औरतों के लिए हिजाब इस्लाम के लिए ज़रूरी नहीं है और मर्दों के लिए दाढ़ी रखना भी ज़रूरी नहीं है। ये फ़ैसला हमें बताया जाता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और वो बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है इस फैसले से, क्योंकि जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, कि जो लड़कियां उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी हिजाब के लिए कि उनके हक में फ़ैसला आएगा और उन्हें इतनी आज़ादी दी जाएगी कि वो उस चीज़ को फॉलो कर सकें जिसे वो ना सिर्फ इस्लाम का बल्कि अपने जिस्म का हिस्सा मानती हैं, मतलब हिजाब। हिजाब पहनने वाली लड़कियों के लिए सिर्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये हमारे तरीके से पूरी तरीके से जिस्म का हिस्सा बन चुका है। ये उसी तरीके से बन चुका है जिस तरीके से हमारे जिस्म में कपड़े ज़रूरी होते हैं, उसी तरीके से हिजाब ज़रूरी होता है। हमें उतना ही दुख होगा अगर हमसे हमारा हिजाब छीन लिया जाए जितना कि हमारे जिस्म से अगर हमसे कपड़े छीन लिए जाए तो दुख होना चाहिए। ये शायद लड़कियाँ समझ सकें या कोई भी इंसान समझ सके कि अगर पब्लिक स्पेस पर उससे उसके कपड़े छीन लिए जाएं तो उसे कैसा महसूस हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर ये बात एक तरफ अगर मैं हटा भी दूँ कि फंडामेंटल राइट है या नहीं है, इस्लाम के लिए एसेंशियल है या नहीं है हिजाब या दाढ़ी एसेंशियल है या नहीं है, और इस मुद्दे पर आऊँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलीजन को सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत बार आ रहा था कि रिलीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सेपरेट रखना चाहिए, उसे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो ये मुद्दा, ये बात, ये पॉइंट तब कहाँ चली जाती है जब जब आप पगड़ी पहनते हैं, तब जब सुबह की प्रेयर्स ही एक सेपरेट और एक कंपलसरी प्रेयर्स बन जाती हैं जो आपको गानी ही होती हैं, जो आपको करनी ही होती हैं, जो कि भजन के रूप में होती हैं। देखिए, मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मोटिव किसी रिलीजन को इंसल्ट करना नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजन को, किसी दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करती। मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स भी हैं, जूनियर्स भी, सीनियर्स भी, बहुत सारे सरदार फ्रेंड्स भी हैं। मेरी खुद की बहनें खालसा स्कूल से पढ़ी हुई हैं, जिस रीज़न से उनके जूनियर सीनियर फ्रेंड्स सब सरदार रहे हैं। लेकिन बात मुद्दे की है, जहाँ पर हम फंक्शंस कराते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, और वो फंक्शन सरस्वती पूजा से और दीप प्रज्वलन से शुरू होते हैं, तो क्या ये रिलीजन में एसेंशियल है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो कराया जा रहा है और हम सब उसका पार्ट होते हैं। मतलब हिजाब तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं कर रही हूँ तो उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और दूसरा कोई पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो पूरे दिन पूरे फंक्शंस में, पूरे स्कूल के पूरे स्ट्रक्चर में चलती हैं, उन सब का हम पार्ट होते ही होते हैं। देखिए, मेरा कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है कि किसी भी रिलीजन की इंसल्ट मैं करूँ। अगर बात की जाए सरस्वती जी की, तो सरस्वती की मूर्तियाँ, सरस्वती की पिक्चर्स पूरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में होती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो सामूहिक तौर पे होली मनाई गई है, तो सामूहिक तौर पे आप होली मना सकते हैं। पूरी तरीके से आप दिवाली के इवेंट्स कर सकते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, आप रामायण का ड्रामा कर सकते हैं जो कि पूरा आपका प्ले होता है, वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप हिजाब नहीं पहन सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सवाल है, और मेरे लिए सवाल अपनी कौम से भी है कि जब आपके लिए ज़रूरी दहेज देना हो गया है बनिस्बत इसके कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, तो आपके लिए ये पॉइंट आना लाजमी ही है। हमारी कौम के लिए ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों की, तो हम दूसरी कौम से लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, और हम शुरू से ही दहेज के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। सवाल है क्यों? आज जब हमसे बात की जाती है कि हम मस्जिद के लिए पैसा दे देते हैं, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मस्जिद आपको नहीं बनानी चाहिए, मस्जिद के लिए पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब हमारे हर एरिया में मस्जिदें हैं, हर एरिया में, हर इलाके में, हर स्टेट में, तो इसी तरीके से हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं?
हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर जामिया का नींव नहीं रखी गई होती तो क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज बन पाता? आज मुसलमानों ने वो नींव रखी, उस पर काम करा, तो आज वो हमारे सामने है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन का एक ऐसा फैक्टर और ऐसी व्यवस्था बनाएं जहाँ पर हमारी लड़कियाँ और हम अपना पूरी तरीके से आज़ादी के साथ उस चीज़ को फॉलो कर सकें, हमसे ये हमारा हक ना छीना जाए। धन्यवाद।